नमस्कार, जय जोहार। मैं सुदामा वर्मा, वो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हम छत्तीसगढ़ के एक सफल जैविक किसान जिन्हें न सिर्फ जैविक खेती में गन्ना के उत्पादन करते थे, बल्कि जैविक गन्ना से जैविक गुड़ के भी प्रोडक्शन बहुत सफलतापूर्वक करते थे। जानते हैं कि सफल जैविक गुड़ का उत्पादन किस तरह से कर रहे हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं भाई नोहर जंघेल जी से। जंघेल जी सादर नमस्कार। तो सबसे पहले जंघेल जी, हमर जो किसान भाई कहना चाहिए हमारे चैनल जनदेखा के, वो मल्ला आप अपन एक छोटे से परिचय बता दें। मोर नाम नोहर सिंह जंघेल जी, ग्राम हरदी, तहसील खरेगा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अच्छा, तो अब सबसे पहली आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि आप जैविक कहना चाहिए गुड़ के उत्पादन करत हो, तो ओकर जो रॉ मटेरियल है गन्ना, वो भी प्योर जैविक आप उगात हो कहना चाहिए। हाँ। तो जैविक जो गन्ना है ओकर खेती करे के बारे में, चूंकि हमारे प्रॉपर जो छत्तीसगढ़िया है ये मन तो गन्ना वन्ना से तो बहुत दूर रहते है ना। हाँ। धान चना गेहूं अपन जो प्राकृतिक खेती है कहना चाहिए वही तक में ही सीमित है, तो आप गन्ना की खेती करे के बारे में कैसे सोचे और वो भी जैविक, तो एक बारे में थोड़ा से आप हमारे किसान मल्ला थोड़ा जानकारी दे। तो ये जो रीस है मेरे गुरुदेव की कृपा है जी, कि मैं बाबूजी के सत्संग में बाहर बाहर गया, हरियाणा गया, उत्तर प्रदेश गया, पंजाब गया, राजस्थान गया, वहाँ मैंने देखा कि लोग हटके उनको खेती को, तो हमारे तरफ जो धान चना गेहूँ जो परंपरागत खेती करते हैं उनको देखा, दोनों वो तो खेती कर ही रहे थे, करत रहे हैं ना, तो ऊपर से दोनों में अंतर में देखे कि, और दूसरा बात कंपटीशन भाई, वो धान लगाते हैं हम धान लगाते हैं, तो सबला एक साथ मजदूर चाहिए, एक साथ काम चाहिए, भाई एक साथ तो संभव नहीं है। तो हम सोचे कि भाई कहीं परंपरागत खेती से हटके कुछ किया जाए, तो वहाँ से मैं प्रेरणा मिली। अच्छा। हाँ, मतलब वहीं से प्रेरणा लेके आप मन प्रेरणा लेके गन्ना की खेती अग्रसर है। तो अपन ये जो गन्ना खेती वर्ष 2014 से शुरू करें, अब प्रश्न ये इसकी हमें जैविक करना है, तो ये जो हमारे जो बड़े वाले बालक है सारे जंगल, हाँ। वो राजीव जी जी के राजीव दीक्षित जी के लेसर पढ़े के, हाँ। तो राजीव दीक्षित जी पूरा डिटेल से बताए कि जैविक खेती कैसे करे जाए, कैसे करे। तो वो जेबी राजीव दीक्षित जी के लिटरेचर पढ़े, ओका बाद पालेकर जी के शाहजापुर जाकर ओकर ट्रेनिंग लें, फिर हम लोग पूरा हो गए, शुरू तो कर ले रहे हम सोच से, लेकिन वो लोग पूरा ये करे बार हम पालेकर जी के ट्रेनिंग के टाइम करें पास हो गए, कर पाओ आप शुरुआत करो है ना। तो जैविक गन्ना जिसे आप मन उगाए है ना, तो जैविक गन्ना उगाए में आप मन ला कौन कौन प्रकार के तकलीफ के सामना करना पड़े कहना चाहिए, काबर एकदम एकाएक तो जैविक की खेती हो नहीं, हमें तो सब रासायनिक वाले रासायनिक है ना, तो जैविक खेती करे में आप मन ला कौन कौन प्रकार के तकलीफ या कहना चाहिए कठिनाई के सामना करे पड़े एक बार। तो सबसे पहली बात तो थी कि जैविक खेती करे बार गन्ना के तो बीज की उपलब्धता चाहिए, आप खेतों तैयार कर लो लेकिन बीज, तो मैं बीज भर में वहाँ पंडरिया पंडेर ब्लॉक प्लान सारी से वहाँ से मैं ट्रैक्टर से जाके बीज लाया। अच्छा, तो फिर वो करना शुरू तो जैविक में जिसे आप उत्पादन करत हो, तो प्रति एकड़ केमिकल से पहली साल दूसरे साल तो कुछ कम ही हुई, तो उत्पादन कते बीटर पी साल नहीं, पहली साल में उत्पादन है 300 क्विंटल भी। अच्छा, प्रति एकड़ 300 क्विंटल, प्रति एकड़ 300 क्विंटल, अरे वाह क्या बात है, तो अपन आपने एक रिकॉर्ड है कहना है ना। तो आप जैविक खेती शुरू करे हो, आप बहुत अच्छा उत्पादन मिली, तो पहली साल आप गुड़ बना के काम शायद चालू नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, दो साल मिल में डाले, दो साल आप मन मिल में डाला हो, तो फिर एक एक जैविक गुड़ के अपन निर्माण करना है, एक बारे में किसे सोचिए? ये हमारे एक साधक भाई है, हाँ। समर्पित आश्रम के आश्रमवासी योद्धा भाई, वो प्रेरणा करी कि भाई आप जैविक गन्ना उगा थो, तो आप मिल में डालते हो तो आप लोग कुछ मिलना नहीं है, वो तो सब जाके एक हो जाते जी, गुड़ गोबर एक हो गए, तो आप गुड़ क्यों नहीं कब नहीं बना, मशीन लगा लो गुड़ बना लो, तो मैं मशीन के लगा रहे मैं किराया, तो वो कर प्रेरणा से मैं गुड़ बनाई चालू करे, तो वो ये जो है भरमपुर में हरियाणा वाले भाई है, वो पास में 3 साल तक के किराए से मैं गुड़ बनाया, तो हाँ तो गुड़ बनाए चालू करे, तो वो हम किराए बनवाए तो सही ढंग से नहीं बनाए, सही ढंग से पका नहीं पाए, तो रिकॉर्ड थोड़ा रिपोर्ट सही नहीं आवा, सही नहीं आया, हाँ। तो अपन सोचे कि क्यों ना अपन
खुद ही ट्राई करना चाहिए। फिर पिछले साल यूनिट लगा है, ये दूसरा वर्ष है, तो अपन 2 साल हो गए खुद की यूनिट से अपन गुड़ बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। तो आप जो यूनिट लगा हो वो कतेक क्षमता वाली यूनिट है आपके पास? ये मुझे यूनिट है 3 नंबर के करखा है, 15 SPM में चलते। अच्छा, ये 35 से 50 एकड़ तक के गन्ना के गुड़ बना सकते। अच्छा, मतलब 50 एकड़ तक की अगर आप खेती करो तो आप लाओ, दूसरा अन्य मशीन लगाए की जरूरत नहीं, नहीं है। जो यूनिट आप लगाए वही में ही कहना चाहिए सफलता पूर्वक गुड़ की पेराई हो जाएगी। तो ये जिस गुड़ है हम बाहर से मार्केट वाले गुड़ खा खा के आदि हो गए हैं, अब वो हमला 50 रुपए किलो में उपलब्ध हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप जैविक के कहना चाहिए खेती करे हो, जैविक गुड़ का हो, तो जैविक गुड़ के मूल्य आप कैसे ढंग से निर्धारित करे हो और ओकर मार्केटिंग में आप मतलब का चीज के सामना करनी पड़ी? बाजार के जो गुड़ है वो पूरा केमिकल आता है जी, टोटल केमिकल है ना। और अपन बनाते हैं तो अपन में कोई केमिकल नहीं, गन्ना उगाए में भी कोई रसायन नहीं है ना, कोई केमिकल नहीं है। गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाए भी वो जो फोटो के जो उपयोग है है ना, जो जो अपन खेत में होते ओकर उपयोग है, और जो जो झाग बैठते वो मैं अंडी के बीज के ये बना के वो ये करता है ना, गुड़ बना के अंडी तेल डाल के वही से, और दूसरा प्राकृतिक तरीका से। तो इनमें एक चीज हमारे कहना चाहिए किसान भाई मतलब बता दो कि गुड़ के जो पेराई होते है उनमें कहना चाहिए सब्सिडी लाए बर मार्केट वाले मतलब कई प्रकार के चीज खाओ, लेकिन आप प्राकृतिक ढंग से कर कहना चाहिए पेराई करते हो, तो आप उनमें जो पुटू बताओ ये पुटू के उपयोग का चीज पर होते और उपलब्धता आप कहाँ से करते, एक बारे में थोड़ा जानकारी दें। मैंने गुड़ के जो फोटो को उपयोग जो है गन्ना में जो गुड़ बनते हैं तो मैला साफ करके उपयोग, और ये जो है प्राकृतिक संरचना है जहाँ गन्ना लगते वहाँ फोटो फोटो को अपने आप फोटो तो बहुत मात्रा में चीजें है ना। तो सबसे जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा केमिकल के जो उपयोग है वही कालापन ला या मैला साफ करे में ही साफ करे है ना, कलर लाए के लिए केमिकल डाले जाते हैं, और आप वो जगह में प्योर हमार प्राकृतिक चीज जैसे फोटो की ओकर माध्यम से आप मन होकर सफाई करते हो मैला के और 100% प्राकृतिक रूप से आप गुड़ तैयार करते हो है ना। तो मैं सुने हूँ कि आप मन के एक प्राकृतिक दुकान है कहना चाहिए है ना, जिनमें 100% जैविक दवाई मिलती है, तो ओकर बारे में थोड़ा सा जानकारी आप बता दो ताकि किसान मतलब अगर जरूरत पड़े तो आपके दुकान से आपके फर्म से संपर्क करके जैविक दवाई वो मन है उपलब्ध कर सके। एक तो हमारा अपन फार्म नाम दे कनक प्राकृतिक कृषि वाटिका जी ग्राम हरदी जी, एक गौशाला है वो कनक गौशाला के नाम से, मैप में कहीं भी जाए कोई भी सर्च करे तो कनक गौशाला खर्च करे तो वो आप लोग मिल जाए। दूसरा बात हमारे जो खैरागढ़ धर्मपुरा में हमारे दुकान है उसका नाम है कनक जैविक कृषि केंद्र में झटका मशीन, तो वहाँ सोलर मशीन भी मिलते हैं, और जो हमारे घर के उत्पादन है जो 100% जो जैविक है वो वहाँ मिलते हैं। तो जिन किसान भाई ने जरूरत है खाद अनाज के उत्पादन के या दवाई के तो वो दुकान से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो वहाँ एक संक्षिप्त में आप जानकारी दे दो जंगल जी कि कौन कौन प्रकार के दवाई वहाँ मतलब प्राय उपलब्ध रहते हैं आपकी दुकान में, तो उकर बारे में थोड़ा सा बता दो ताकि किसान मल्ला समस्या मत हो, अगर कोई बीमारी लगत है तो वो मन है वो चीज पर आपसे कहना चाहिए प्राकृतिक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। दुकान में हमारा 2-3-4 प्रकार के है, कीट नियंत्रक है, फफूंद नियंत्रक है, वायरस है और टॉनिक है। तो ये 3 साल अलग अलग फ्लेवर में है, कीट नियंत्रक जो है गाय के गोमूत्र के फ्लेवर में है ओकर से बनाई गई है, फफूंद नियंत्रक जो है छाछ से निर्माण करी हुई है, और जो टॉनिक है वो पंचगव्य गाय के दूध दही घी गोबर गोरस से 5 तत्व से वो बनाई गई है। तो ये जो है सब फसल पर सब चीज पर कारगर है। तो चलो अब अपन आज अखन आपके प्राकृतिक गुड़ में है ना, तो प्राकृतिक गुड़ के निर्माण तो अब अभी हमारे सामने में हुआ थे हम देखा था, तो ये प्राकृतिक जिन गुड़ के निर्माण आप मन करत हो इला हमारे किसान भाई मन है या जो उपभोक्ता कहना चाहिए है ना खरीदना चाहते हैं, तो ओकर लिए कतेक एकड़ मूल्य आप मन निर्धारित करे हो और कौन ढंग से उपभोक्ता तक के आपके गुड़ पहुँच जाएगी एकड़ बारे में थोड़ा जानकारी देगा? अभी वैसे बाजार में गुड़ 50 रूपए है जी, जी तो मैं बाजार से 10 रूपए ऊपर रखे हूँ, 60 रूपए के है ना, वो तो बनते जैविक है ना, 100% जैविक है, और 25 रूपए पैकिंग में। अच्छा, तो जिन किसान भाई
या उपभोक्ता जिन घर भी आके ले जाए आना चाहते घर से ले जाए और जिन यदि मान लो पहुँचा के मांगे बोला ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम घर पहुँचा के दे देते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो जहाँ चाहे बोला भाड़ा सही भाड़ा दे लगी भाड़ा सही तो कर चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार आप मन है हमारे सामने जो व्यूवर्स देखा थे जो किसान भाई मन देखा थे बोला अपन कॉन्टेक्ट नंबर एक बार अच्छा से बता दो ताकि जिन संपर्क करना चाहते डायरेक्ट आके संपर्क कर सके। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ आपके पता आपके मोबाइल का, फिर भी आप अपन युवानी एक बार नंबर बता दो। और मोबाइल नंबर है 94-06-52-870 94-06-52-870 तो जो किसान साथी मल्ला जैविक गुड़ चाहिए थे हमार जंगल जी बताई से कि 60 रुपये के मूल्य एक बार निर्धारित करे हम, तो 60 रुपये के मूल्य में जो अभी नंबर हमार जंगल जी बताई से वो नंबर में संपर्क करके आप मन जैविक गुड़ खरीद सकत हो मंगवा सकत हो या फोन करके और डिटेल जानकारी आप मन ले सकत हो। तो चलो अब दूर के जो मंगाही वो पहले भाड़ा लगी मतलब 60 रुपये प्लस भाड़ा प्लस 60 रुपये प्लस भाड़ा चलो ठीक है तो 60 रुपये प्लस भाड़ा दूरी के हिसाब से जो भी पड़ी। तो अब ऐसे कुछ जानकारी जेन ला कहना चाहिए मैं पूछ नहीं पाता हूँ या अभी हमर बातचीत के दौरान हम साझा नहीं कर पाए तो वो कुछ जानकारी आप शामिल करना चाहो तो आप बिल्कुल निसंकोच उसके बारे में जानकारी दे सकते हो। तो ऐसे कोई चीज जिन आप बताना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा आप खुल के बता। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि किसान भाई मन आज गाय से दूर हुआ जी है ना, और गाय पाले से ही संभव है कि जैविक खेती काबर गाय पाल ही तो गोमूत्र गोबर मिली गोमूत्र मिली और जब गोबर गोमूत्र मिली तो जीवित जीव अमृत तैयार हुई जीव अमृत तैयार हुई और वो गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनी गोबर गैस के टंकी बनी तो वो ईंधन मिली खाना फ्री में बनी गोबर गैस बनाए से खाना फ्री मिली वोकर जो स्लरी निकल गई स्लरी से वर्मी कंपोस्ट का इतना बढ़िया बनते जैसे चाहिए है ना। हाँ जो सरकार चाहते नरवा गुरुआ बाड़ी हाँ तो वही अपन गरुआ गोबर गोबर से गोबर गैस स्लरी स्लरी से वर्मी कंपोस्ट है ना वर्मी कंपोस्ट आप सीधा खेत में डाल दो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं किसान भाई मतलब यही बताना चाहता हूँ कि यदि वो गाय पाले और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें एक मतलब ये है कि हम लोग प्राकृतिक खेती जैविक खेती शुरू करे से पहले गौ पालन में फोकस करने लगे गौ पालन चालू करने लगे और गौ पालन चालू हो गए मतलब हमार जितना सारा जान चाहिए प्राकृतिक खेती में तो सब गौ से मिल गई है ना, बाहर से हम लोग कोई चीज लेके जरूरत कोई चीज लेके जरूरत। चलो बहुत बढ़िया जंगल जी बहुत अच्छा लगी साहब से मुलाकात करके आपकी कीमती जानकारी से निश्चित ही किसान मन फायदा उठाई और आपके जो 100% कहना चाहिए जैविक जो गुड़ है ना ओकर कहना चाहिए मंगा के लाभ लिए अपन स्वास्थ्य में सुधार कर ली। तो यही उम्मीद के साथ में आज के वीडियो हम यही में समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। ये गन्ना क्रेशर मशीन है जी है ना, हाँ मशीन चालू करके मैं गन्ना पेरे जाते और गन्ना पेरे होके यहाँ से रस निकालते ये रस जो है ये रस वो टंकी में जाते हैं टंकी से वाल द्वारा वाल के माध्यम से वो पहला कढ़ाई जाते हैं। अच्छा ये पहला वाला ये पहला कढ़ाई जाते हैं ये कढ़ाई में आने के बाद यहाँ से हल गर्म होते और यहाँ से मैला निकलते हैं। अच्छा मैला निकले के बाद वो तो सेकंड कढ़ाई जाते हैं। अच्छा तो दूसरा कर आपके मैला वहाँ से निकल जाता है। अच्छा और ये तीसरा जो है गुड़ जो पकते गर्म होते लास्ट में ये तीसरा कढ़ाई मत है यहाँ से ये तैयार होते हैं मतलब फाइनली ये तीसरा वाले में है ना यहाँ से फिर गुड़ बनके तैयार होते हैं। अच्छा। फिर यहाँ से वो गेट के माध्यम से आगे वो कठोत में चले जाते हैं। अच्छा जो वहाँ जो जमात है वहाँ से वहाँ वो ठंडा करे जाते हैं। अच्छा और ये जो भिंडी वाले बात के हैं हाँ, फोटो, हाँ, फोटो हुआ है हाँ, तो फोटो ये पहला कढ़ाई में डलते तो ये पहला कढ़ाई में ही मैला पूरा निकल हाँ, पूरा निकल जाते जो बचे खुचे कुछ बच जाते वो दूसरा कढ़ाई में निकल। अच्छा हाँ। तीसरा वाले में गीस मतलब खाली पकाना है हाँ, खाली पकाना है तीसरा वाले में। अच्छा वो पक के फिर सामने सामने ये कठोर थे लकड़ी के यहाँ निकलते। अच्छा ये मेरा थोड़ा सा ठंडा करके जमा के हल्का से ठंडा करे के बाद फिर वो फिर सांचा में डाले जाते फिर गुड़ तैयार हो जाते। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद।